गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ प्रियंका और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिव्यांका से इंस्पायर्ड ये लुक. मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं प्लेन सैटिन साड़ी का कोई लुक क्रिएट करूँ और दिव्यांका का ये पिक भी मुझे भेजा था इंस्टाग्राम पे. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने स्टाइलिश ड्रेप्स आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप कोई चाहते हैं स्पेशली देखना तो मैं उसे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी. तो यहाँ पर मैंने दिव्यांका से इंस्पायर्ड ये लुक क्रिएट किया और काफ़ी स्टाइलिश लग रही है साड़ी. और ये साड़ी डबल टोन में क्रॉस थ्रेड सारी है. इसका आप देख पा रहे हैं अंदर की साइड से इसका कलर थोड़ा लाइट शेड में रहता है, ऊपर डार्क शेड में रहता है, नेवी ब्लू कलर है इसका. और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है और बिल्कुल सैटिन जैसा लुक देती है. तो इसे मैं यहाँ पर लेगिंग्स पे पहनने जा रही हूँ स्लिम लुक के लिए. आप पेटीकोट पे भी पहन सकते हैं. सबसे पहले आप अपने फुटवेयर कैरी कर लें. इस तरह की प्लेन साड़ी को आप डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ हेवी ज्वेलरी के साथ पेयर करके काफ़ी अच्छा वेडिंग आउटफिट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. आप अगर वेडिंग गेस्ट हैं तो आप इस तरीके की साड़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम नॉन पल्लू पार्ट पे जाएंगे, वहाँ पर नॉट बांध कर लेंगे हमेशा की तरह और उसे टक कर लेंगे. राइट हैंड साइड से हम टक करना स्टार्ट करेंगे और फ्लोर से टच करते हुए अपनी साड़ी को पूरा वन राउंड हम रैप कर लेंगे. मुझे प्लेन साड़ी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसे डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट ब्लाउज डिज़ाइनर ब्लाउजेस के साथ पेयर करके काफ़ी सारे स्टाइल्स क्रिएट कर सकती हूँ. इसे ड्रेस स्टाइल में भी कैरी कर सकती हूँ डिफरेंट श्रग जैकेट्स के साथ. तो अब हम इसके पल्लू के प्लीट्स बना लेंगे. बहुत ईजी है, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्लीट को हमें थोड़ा बड़ा रखना है, पीछे के प्लीट्स को हमें छोटा रखना है. तो आपका परफेक्ट पल्लू फिनिश आएगा. और अगर आप इजी तरीका देखना चाहते हैं तो राइट साइड में लिंक आ रही है, आप चेक कर सकते हैं. और लास्ट प्लीट जो रहती है आपकी कभी हमेशा गड़बड़ होती है, छोटा बड़ा होता है, तो कोई टेंशन नहीं है. आप उस जितना छोटा आ रहा है आप उसे फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से अरेंज करते हुए इस तरीके की क्लॉथ क्लिप से उसे अटैच कर दीजिए. चाहे तो सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते. पल्लू प्लीट्स को हम बैक साइड से घुमाते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पर सेट कर लेंगे. लेफ्ट शोल्डर पर आपको पल्लू की लेंथ अच्छे से सेट करना है. अगर आप पल्लू की लेंथ एंकल तक रखते हैं तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी हाइट ज़्यादा दिखाता है. तो इस तरीके से आप इसे लॉन्ग रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप फॉलिंग पल्लू या सिंगल प्लीटेड पल्लू रखना चाहते हैं तो आप उसे अपनी नी लेंथ तक रखिए. अब लेफ्ट शोल्डर पे थोड़ा सा बैक साइड में 1 से 2 इंच बैक साइड में आपको सेफ्टी पिन से पल्लू को अपने ब्लाउज के साथ सिक्योर करना है. और आप पिन में पहले से टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर बैक साइड में लगा लीजिए ताकि उसका जो क्लैस्प होता है वो आपकी साड़ी या ब्लाउज को डैमेज ना करे. इस तरीके से सिक्योर करने के बाद अब हम पल्लू की जो ऊपर की बॉर्डर है प्लीट्स के यहाँ से लूप क्रिएट करते हुए बैक साइड में जाएंगे और इसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आकर थोड़ा सा टेम्परेरीली टक कर लेंगे. और यहीं से हम अपनी सेंट्रल प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे. प्लीट्स बनाने के पहले आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपने साड़ी जो लॉन्ड्री में आप आयरन के लिए देते हैं जो फोल्ड के क्रीज आते हैं वो क्रीज को ज़रूर आप आयरन करके मिटा लीजिए. अदरवाइज सेंट्रल प्लीट्स बनाने में ये बहुत प्रॉब्लम देते हैं, इसकी वजह से आपकी प्लीट्स परफेक्ट नहीं दिखती हैं. तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें. देन इस तरीके से आप सेंट्रल प्लीट्स अपने बना लेंगे. अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फ्रंट प्लीट है वो थोड़ी छोटी आ रही है. अब छोटी आ रही है तो वो आपकी बाकी साड़ी की प्लीट से दूर जाएगी. उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी दो प्लीट्स को इकट्ठा लेना है और बड़ा करके एक प्लीट बना लेना है. और ये जो तरीका है ये सिर्फ इस तरीके की थिक साड़ी में काम करता है. आप नेट की साड़ी या फिर ट्रांसपेरेंट साड़ी में इस तरीके से ना करें, अदरवाइज़ वो ऑड लगता है. तो यहाँ पर आप ज़रूर इस तरीके से अपनी फ्रंट प्लीट को अरेंज कर सकते हैं. देख पा रहे हैं आप अंदर से इस तरीके का फोल्ड आ रहा है. अब इसे आप अच्छे से अरेंज करते हुए ऊपर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए. सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के पहले आप अपनी प्लीट्स को थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप कर दीजिए तो वो बहुत अच्छी दिखेंगी, पूरी फैली हुई दिखेंगी. और यहाँ पर भी सेफ्टी पिन में आप पेपर या फिर बीड लगाना बिल्कुल ना भूलें. इस तरीके से आपकी प्लीट सिक्योर हो जाएगी. अब इसको आपको अपने नेवल से थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हुए आप टक कर लीजिए. और यहाँ पर हम लेगिंग्स पे पहन रहे हैं तो अगर लेगिंग्स लूज है तो आप कोई डोरी या नाड़ी का यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस तरीके से अपने प्लीट्स को टक करिए. अदरवाइज आप लेगिंग्स पे इस तरीके से सेफ्टी पिन से भी अपनी प्लीट्स को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं. आप यहाँ पर अपना डिज़ाइनर साड़ी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट शोल्डर पे मैं क्योंकि ब्रॉच यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इसे सिंपल रखूँगी. प्लीट्स बनाने के बाद जो राइट हैंड साइड पे हमारा थोड़ा सा पार्ट लूज बचता है उसे हमें कैसे फिक्स करना है अब आप उसे समझ लीजिए. देखिए यहाँ पर हमारे प्लीट्स अच्छे से अरेंज हो चुके हैं, फ्रंट प्लीट बहुत परफेक्ट दिख रही है. तो अब इस पार्ट को फिक्स करने के टाइम पे आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हम जो लूज़ लूप छोड़ने वाले हैं राइट हैंड साइड पे वहाँ से ये फिक्स ना दिखे. इसको इस तरीके से आपको फिक्स करना है कि आपके जो पल्लू के प्लीट्स आ रहे हैं वो इसे कंसील कर दे. जैसे यहाँ पर देखिए अब ये छिप जाएगा इस पल्लू प्लीट्स में. अब बैक साइड में आप लूप देख रहे हैं, इस तरीके से अरेंज करना है ट्रायंगुलर आपको. और फ्रंट साइड में जो आप लेफ्ट साइड पे वेस्ट पे इस तरीके से फ्लैट रखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे टक कर लें एंड आपका फ्लैट फिनिश आएगा.
तो ये आपके थाइस को बहुत अच्छा स्लिम लुक देता है। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर रिंकल्स आए तो आपको इसको हाथ से टक किया जो है उसे निकालना है और उसे इस तरीके से यहाँ पर आपको क्रीज अरेंज करने हैं। आप थोड़ा थोड़ा खींचेंगे अपने आप क्रीज अरेंज हो जाएंगे और ये बहुत ही सुंदर लुक आपको देगा। साइड से इस तरीके के काउल्स आ जाएंगे और वो बहुत अच्छा लुक देगा आपकी वेस्ट पे। बस बैक साइड से थोड़ा सा इसका लुक मुझे अच्छा नहीं लगा, बट आप फोटोशूट के लिए फ्रंट साइड से अगर चाहते तो इस तरीके से बना के आप कर सकते हैं। अब हम शोल्डर पे ब्रॉच अटैच कर लेंगे और ये ब्रॉच जो है मेरे हस्बैंड की शेरवानी से मैंने लिया है। इस तरीके से डबल पिन वाला ब्रॉच है, मार्केट में जैसे दिव्यांका ने लगाया उस तरीके के पैचेस भी मिलते हैं, आप लाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये घर में ही जुगाड़ लगाया। इस तरीके का ब्रॉच मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंड वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन को अपने साड़ी के साथ जस्ट शोल्डर के आउटर एंड पे इसे अटैच कर देंगे साड़ी के साथ और छोटे वाले को इस तरीके से सामने अरेंज करेंगे तो आपके प्लीट्स भी बहुत अच्छे से अरेंज रहेंगे और सामने बहुत अच्छा लुक इसका आएगा। ये जो ब्लाउज आप देख रहे हैं ये मुझे लहंगे के साथ मिला था, अमेजन से मैंने परचेज किया था। इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, साइड में आप पिक देख पा रहे हैं। इसके साथ मैंने श्रग भी बनाया है, तो आप साड़ी के ऊपर अगर श्रग कैरी करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी प्लेन साड़ी पर श्रग कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।